वन क्षेत्र रेंज खड्डा अंतर्गत ग्राम कोहरा गड्डी व ग्राम मुसहरी के बीच ढोलहा मौजा के खेतों में आज दिन शुक्रवार की सुबह के समय पर जंगली गेंडा को लोगों ने देखकर वन विभाग खड्डा तथा अन्य संबंधित विभागों को सूचना दे दी। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग खड्डा व नेबुआ नौरंगिया थाने की पुलिस ने खेतों की तरफ गए गेंडे की तलाश करने लगे। छानबीन के काफी मशक्कत के बाद गेंडा गंगवा छापर के तबारक के केले के खेत में दिखाई दिया। गेंडे को देख वन विभाग की टीम केले के खेत से गेंडे का बाहर निकलने का इंतजार करने लगी, लेकिन भीड़ को देखकर जरा गेंडा काफी समय तक केले के खेत में ही रहा। लगभग दोपहर के समय गेंडे को ढेला ईंट पत्थर से मारने के बाद केले के खेत से तेज गति से निकला। गेंडा खेत में कार्य कर रहे दड़बहा गंगवा छापर निवासी सुरेश तथा आलमीन गंगवा छापर को अपना शिकार बनाते हुए दक्षिण दिशा मुसहरी की तरफ भाग निकला। गेंडे का शिकार हुए दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं गेंडा एक गन्ने के खेत में जाकर छुप गया। इस संबंध में वन क्षेत्राधिकारी खड्डा बीके यादव से संपर्क करने पर बताएं कि चितवन वन नेपाल से रास्ता भूलकर इधर आ गया है। सबसे पहले 23 जनवरी को डोमाबीट सोगीबरवा वन्य जीव प्रभाग में देखा गया था, तब से लेकर ये इधर ही विचरण कर रहा है। प्रतिदिन इसका लोकेशन लिया जा रहा है। आज शाम के बाद अपने मूल में ये वापस चला जाएगा। खबर लिखे जाने तक गेंडा वन विभाग तथा पुलिस विभाग के हाथ नहीं लगा और वहीं गन्ने की खेत में छुपा रहा, जो अभी भी खेतों में काम कर रहे किसान तथा मजदूरों के लिए खतरा बना हुआ है। क्या नाम है आपका? सुरेश। किस गांव के रहने वाले हैं? जलवा गंगा छपरा। हमारा है साल नहीं पड़ गई है। सामने पड़ गया। हाँ। कहाँ कहाँ चोट लगा? ही लगल बा रो लगवा कई जगह लगल। अच्छा, ये ये तो पता नहीं कब सुबेरे कब से निकल बा तो मालूम नहीं हमने। आप कब देखे हैं? हम तो अभी नहीं कहीं नहीं जगह तो बस। अच्छा, आप अमीरुद्दीन अंसारी। उनका क्या नाम है? जी अलमीन अंसारी। क्या कर रहे थे वो? खेत में अपना काम कर रहे थे। आपके क्या लगते हैं? हमारे पिता हैं। अभी रेंजर विभाग ने क्या कहा है? अभी रेंजर विभाग कुछ नहीं कहा है अभी तक। सुबह से जैसे ये केले के अंदर था, बच्चे लोग थे चारों तरफ से, प्रशासन भी थे यहाँ पे, लेकिन वो अंदर बैठा हुआ था, बाहर नहीं निकल रहा था। तो प्रशासन भी मिट्टी चला के मार रहे थे उसको, बाहर निकालने के पत्थर प्रशासन चला रहे थे, बच्चे भी चला रहे थे। जैसे वो भागा है, निकला है, गन्ने खेत में आया, अपने खेत में काम कर रहे थे, जिनको आया है तो मार दिया है। अब बुजुर्ग आदमी कितना भागेंगे? अच्छा, ये बताइए प्रशासन आई थी तो क्या उसको पकड़ने के लिए अपना सामान लेकर? नहीं, अभी कुछ नहीं लेकर आई थी, अभी कुछ नहीं लेकर आई थी, कुछ नहीं लेके आई थी। प्रशासन सिर्फ पुलिस लेकर आई थी, अपना लाठी उठी लेके आई थी, सिर्फ बच्चों को रक्षा करने के लिए आए थे। बच्चों को पब्लिक को हैरान न करें, परेशान न करें। हाँ, बस इसको पत्थर मार रहे थे। हाँ, पत्थर खुद मार रहे थे प्रशासन, उनका पत्थर मारने की वजह से। हाँ, तभी वो भगा है, तभी भगा है, बच्चे भी चलाए हैं, प्रशासन भी चलाया है, तभी वो भगा है वहाँ से, भगा है। गन्ने खेत आया तभी इनको मारा है, उस दौरान इनको मारा। हाँ, उसी दौरान इनको मारा। केला के खेत में था ये, तो वहाँ पे प्रशासन आई है, प्रशासन इसको पकड़ने की कोई कोशिश नहीं करी है। वहाँ पे प्रशासन खड़ी थी, पब्लिक जो जुट रही है, पब्लिक को मार रही है, पब्लिक को खदेड़ रही है, वहाँ से कोई उस जानवर को कोशिश नहीं कर रहा है कि पकड़ा जाए। ठीक है, वहाँ पे कोई भी वन विभाग वाला भी नहीं है। वन विभाग वाला आए होते पकड़ने की कोशिश करे तो हम लोग भी बोलते कि हाँ चलो साथ में, कोई तरह हम लोग हेल्प करते साथ में, कोई नहीं था। ये खेत में काम कर रहे हैं, वहाँ पे पत्थर ईंट जो भी मिला है पुलिस प्रशासन वो फेंकी है उस पे, वो गुस्सा होके निकला है केला खेत से, फिर इनको मारा। ये खेत में खुद काम कर रहे थे, बुजुर्ग आदमी है, भाग नहीं पाए हैं, भागने की कोशिश करें मगर पीछे से पकड़ के उठाक पटक दिया है। जब ये गिर गए हैं तब वहां से निकला है वो गेंडा। अभी किस तरफ गेंडा चला गया है? अभी गेंडा ये लेफ्ट साइड में गया है। हाँ, दक्षिण साइड में। हाँ, दक्षिण साइड में गया, मुसहरी साइड। हाँ, मुसहरी साइड में गया है। यहाँ से आतंक कब से चल रहा है ये? गंगे का आतंक क्या है? चितवन वन पर वहाँ से नेपाल से भटक करके रास्ता अपना गया। सबसे पहले 23 जनवरी को डूमा बीट में सोगी बरवा वन्यजीव प्रभाग में देखा गया। उसके बाद पाल डिग्री कॉलेज महाराजगंज में रात में हमको सूचना मिली, हम तुरंत गए। उसके बाद वो निकल करके 24 जनवरी को पोहरिया गांव घुगली के पास में सोगी बरवा वन प्रभाग में दिखा, जो वहाँ खेखड़ा नाला के पास में। फिर 25 तारीख को मड़ार बिंदु वालिया नेबुआ नौरंगिया थाना कुशीनगर जनपद से होते हुए ये 26 निकल गया। 25 तारीख को यहाँ देखा गया था मड़ार बिंदु वालिया में।
फिर 26 तारीख इसकी लोकेशन नदी उस पार नारायणी नदी के उस पार में रेता में दिखाई दिया। 26 तारीख के बाद से ये स्वर्गीय बरुआ वन्यजीव प्रभाग और वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना में घूम रहा था। स्वर्गीय बरुआ वन्यजीव प्रभाग के कंपार्ट संख्या 54-55 के पास में और फिर उसके बाद वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना की 21 और 22 सीमा में लगा हुआ, जो सटा हुआ वहाँ से सुस्ता नेपाल का एरिया लगता है उसमें विचरण कर रहा था। कल शाम प्रतिदिन इसका लोकेशन लिया जा रहा है, तीनों वन प्रभाग स्वर्गीय बरुआ वन्यजीव प्रभाग वाल्मीकि नगर हमारे वहाँ से कुशीनगर वन प्रभाग से इसकी बराबर देखा जा रहा है। कल शाम का लोकेशन 4 बजे तक BTR से था कि ये जोनो BTR में था। लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करके भोर में हमारे वहाँ खड्डा थाना क्षेत्र में कुशीनगर जन प्रभाग के खड्डा थाना क्षेत्र भुजौली गाँव में 3 बजे भोर में काश्तकार द्वारा देखा गया। फिर सुबेरे 7 बजे गन्ने के खेत में यहाँ को हरगबड्डी गांव में पड़ा हुआ था, यहाँ कुछ बच्चों ने आतंक किया, उनसे वो ढेला मारने का कम उत्तेजित किए तो वहाँ से भाग करके आया, एक आदमी को घायल भी कर दिया है, अभी गन्ने के खेत में पड़ा हुआ है, शाम तक सुरक्षित रहेगा, मूल में अपना वापस चला जाएगा। अभी दो लोग घायल हो गए हैं जी, और वहाँ पे जो लोग खड़े थे जो लोग ग्रामीण इकट्ठा हुए थे वो लोग का कहना था कि बच्चे तो ढेले से मारे भी, वो लोग भी ढेले से मारे इसके लिए विवेक में आकर और वो दो लोगों को घायल कर दिया। इस पर आपका क्या कहना? आप लोगों से यही अपील किया जाता है कि वन्य जंतु हैं, इनको सुरक्षित रखें, इनको छेड़े मत, ये मूल में अपना रास्ता ट्रैक भूल जाते हैं, पुनः वापस अपने प्राकृतिक वास पर जाने की कोशिश करते हैं। अभी पकड़ने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? पकड़ने के लिए शाम तक ये देखा जा रहा है कि इसकी अगली गतिविधि क्या होगी, शाम तक इसका निरीक्षण किया जा रहा है, सुबेरे भर ये कहाँ किस ट्रैक पर रहता है, अगर एक ही जगह पर काफ़ी दिन तक पड़ा रहेगा तो उसके फिर देखा जाएगा। नेता हमारी सीमाएँ सटी हुई हैं, वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना की चितवन में सटा हुआ है, स्वर्गीय बरुआ वन्यजीव प्रभाग से सटा घिरा हुआ ये अपना एरिया है और जंगल से काफ़ी डेंस एरिया हमारा है, गन्ना केला आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ घिरा हुआ, यहाँ तो बल्कि कुछ साफ सुथरा दिख रहा है, आगे और 50 मीटर उधर जाएंगे तो पूरा गन्ना केला से घिरा हुआ है, तो ये पूरा ये सिचुएशन हमारी जंगल जैसी दिखती है। तो लोगों की सुरक्षा के लिए अभी आप क्या कर रहे हैं? लोगों की सुरक्षा के लिए जनता से विशेष अपील है कि वो उसे डिस्टर्ब ना करें, दूर से ही रहें, उसको शांति से छोड़ दें। पकड़ने के लिए क्या क्या पकड़ने के लिए क्या व्यवस्थाएं? अभी कुछ नहीं, इसको देखा जा रहा है कि आगे क्या कार्रवाई हो रही, मॉनिटरिंग इसकी चल रही है। अगर अकस्मात सामने चला आता है और आपके पास पकड़ने के लिए कोई साधन नहीं है तो उससे क्या करेंगे आप? हम उसको खुद ही, हमें लोगों से ही अपील कि उसको हम छेड़े ही नहीं, वो शांत बैठा रहेगा, बहुत ही शांत प्रिय जानवर, अगर हम उसको छेड़ेंगे तभी वो किसी को डिस्टर्ब करेगा। तो छेड़ने की वजह से ही दो लोग जी? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखे होंगे कि आप तो बाद में आए हैं, पब्लिक जा करके हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे, हम संख्या में स्टाफ हमारा कम है, अब बहुत से ज्यादा पब्लिक वहाँ करके गन्ने के केले के खेत में जा करके ढेला तक मरना शुरू किए। कब तक ये पकड़ लिया जाएगा सर? अभी इसको कुछ नहीं, आजकल इसको हम लोग मॉनिटरिंग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसकी क्या गतिविधि आगे क्या हो रही है। तो जनपद की टीम को सूचना है इसकी? पूरी जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश में इसकी सूचना चल रही है, वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना बिहार और चितवन तक के भी लोग सारे लोग, हम लोगों का शाम को दिन में 2 बार बातचीत सुबह और शाम को इसकी गतिविधि ली जाती है। सर यहाँ पे देखा जाए तो चारों तरफ जंगल विभाग है और बार बार इस तरह के जानवर, कभी चीता कभी गेंडा क्षेत्र में आ जाते हैं, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, तो इसके लिए यहाँ जो भी रेंजर विभाग के जो अधिकारी हैं या फिर इस तरह यहाँ पर किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है जिससे कि लोगों को तुरंत सुरक्षा दी जा सके। आप किस टाइप की सुरक्षा की व्यवस्था की बातें कर रहे हैं? लोगों की सुरक्षा की, अभी यहाँ पे 4 लोग घायल हो गए। लोगों से मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करवाना चाहूंगा कि इन्हें वन्य जंतुओं को छेड़े मत, उनको सुरक्षित, वो अगर कहीं दिख जाता है तो वो अपना रास्ता, उसको जब जाकर के हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तभी जाकर के वो आक्रामक होता है, यानी कि ये छेड़ने पर ही वो आक्रामक, छेड़ने पर ही आक्रामक होगा, अन्यथा अगर वो रास्ता ट्रैक भूल करके अगर कभी आ जाते मूल में, वो अपना पुनः वो वापस जाना चाहते हैं अपने प्राकृतवास में। जी सर, किस पद पर कार्यरत हैं सर? मैं क्षेत्रीय वन अधिकारी खड्डा। क्या नाम है सर? BK यादव करते हैं।